तो एवरीबॉडी, आज मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर्स का पूरा ओवरव्यू ही आपके सामने रख देता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये ओवरव्यू तब पढ़ना जब आपका पूरा एसएम एक बार पढ़ के हो जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर वन तेरा पहला चैप्टर है, उसमें तू पढ़ता है फालतू फालतू पॉइंट्स। स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैनेजमेंट क्या रहता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या रहता है, तीनों लेवल में, कॉर्पोरेट में गया है, बिजनेस में गया है, फंक्शन में गया है। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ और चीज़ें आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, लिमिटेशन ऑफ एसएम, चैप्टर ही खत्म। यहाँ से आप स्विच करते हो दूसरे चैप्टर में और चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर। तो पहले के बाद आपने हमेशा चार पढ़ना, ईजी जाएगा चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर के चार चीज़ें हैं जो मेजर है, ए बी सी और डी। ये चैप्टर चार पार्ट में डिवाइडेड है, से चार पार्ट में। ए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, याद है क्या? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के नीचे कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के नीचे के अंदर बोला था इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, राइट। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक मेजर एक्सपांशन के बाद ली जाती है, इसके अंदर में कोई नया प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं लाया जाता, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर में प्ले किया जाता है। दूसरा है एक्सपांशन, और इसी को ही हम कहते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी। कुछ याद आ रहा है? ग्रोथ स्ट्रैटेजी इसके अंदर में कितने पार्ट थे? दो, तीन। कौन कौन से याद कर? पहला डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, याद है? इसके अंदर भी तीन चीजें, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर और दो चीजें, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बराबर है। इंटेंसिफिकेशन के अंदर अगर तुझे याद हो तो तीन चीजें बोलते जा, याद आ रहा है तो, मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बराबर है। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में चार चीजें जो बिल्कुल मर्जर से भी कनेक्ट होती है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट। इसी का नाम एक और है को जेनेरिक, मर्जर में आ जाता है, याद आ रहा है क्या? को जेनेरिक और नहीं, एक मिनट, तुम ये यहाँ गलत हो गए, यहाँ था कॉन्सेंट्रिक एंड को जेनेरिक, और ये था कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब एक्सपांशन और ग्रोथ में ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनते थे चैप्टर नंबर फोर में। इसके बाद था तेरा रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, इसके अंदर के तीन पार्ट, डी टी एल। डी से डिस इन्वेस्टमेंट, टी से टर्न अराउंड, और एल से लिक्विडेशन, और यहां पे था कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। ये एकदम तेरा सुपर समरी चार्ट है जो तूने एग्जाम के एक दिन पहले जब सेल्फ स्टडी करने बैठेगा, ये एक चार्ट ऐसी चीज होगी जो तेरे को सब बता देगी कौन से चैप्टर में किधर क्या है। इसके बाद आपने नेक्स्ट में जाना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर फाइव, ये होगा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। लाए थे मिस्टर पॉटर। इस चैप्टर को दो ही पार्ट में डिवाइडेशन है, एक फाइव फोर्सेस और तीसरा जेनेरिक स्ट्रैटेजी, याद आ रहा है क्या? फाइव फोर्सेस कौन कौन से थे ये याद कर, एक दो तीन चार पांच। पहला था राइवल, दूसरा था न्यू एंट्रेंस, तीसरा था सब्स्टिट्यूट, बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन,
सप्लायर बार्गेनिंग पोजीशन। इनसे बचने के लिए तीन स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। एक बड़ा चार्ट ले लेना, ड्राइंग चार्ट, उसमें बना के रख देना, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी खत्म, याद आ रहा है क्या? इतने में बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पूरा था। यहां से जाना तुमने सिक्स चैप्टर में, यहां से जाना सिक्स चैप्टर में, मतलब पहले एक, एक के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, तेरा लॉजिकल लगता रहेगा, ठीक है? यहां पे क्या होगा, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ये अगेन एक बड़ा चैप्टर, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। सबसे पहले तूने की आरएनडी, आरएनडी के बाद तेरे पास आया फाइनेंस। गलत, ये इंस्टीट्यूट का दिया हुआ सीक्वेंस है। हमारा सीक्वेंस क्या है, फाइनेंस, आरएनडी, प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग। अब इधर सुन, फाइनेंस के अंदर में और चार पार्ट थे, फाइनेंस के अंदर में और चार पार्ट थे, याद कर, एक्विजिशन ऑफ फंड, बजट, यूटिलाइजेशन और नेटवर्थ। याद आया? आरएनडी के अंदर में आरएनडी एंड इसके स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन के अंदर में एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कुछ याद है करे ओ नालायको, चौथा सप्लाई, अरे वेरी गुड, तुमको तो याद है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एचआर के अंदर में, हाँ, व्हाट इज एचआर स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, रोल ऑफ एचआर मैनेजर, एचआर प्रोसेस। मतलब देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 सबसे बड़े चैप्टर, बराबर, बाकी सब छोटी छोटी चिल्लर चिल्लर टॉपिक है। मार्केटिंग के अंदर में 4P चाहिए, इसको बोलते तेरे को मार्केटिंग मिक्स। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? परफेक्ट मेरे बच्चे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर में 9 टाइप्स थे, पर्सन मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, ज्योग्राफिकल मार्केटिंग, दुनिया भर की चीजें। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये तेरा एक और चैप्टर खत्म। बैठे मत रे, लिखते रे, रोज रोज मास्टर नहीं मिलने वाला अब, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता चालू। ये देखो अब तक इतना बड़ा चार्ट बना, लेकिन चैप्टर खत्म हुए नहीं। मतलब तू सोच 50 मार्क के लिए कितना है, भयंकर इजी, ये तेरे को भी मालूम है भयंकर इजी। और हर जगह अपन ने प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लिए, जितनी जगह पॉसिबल था उतने केस स्टडी लिए, नहीं बोलते उस प्रोडक्ट की, ठीक है? चल चैप्टर 6 के बाद तू कहां जाएगा? चैप्टर 6 के बाद जाएगा तो चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 6 के बाद तू कहां जाएगा? चैप्टर नंबर 7 पे, नहीं वेट, तू 3 पे जाएगा। पहले 3 था एसएम प्रोसेस, बराबर है?
यहाँ पे सबसे पहले आता था स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इसके अंदर में और चार फालतू बातें, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। याद आया क्या? तो पहला था स्ट्रैटेजिक इंटेंट, फिर दूसरा था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरा था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तीसरा था स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। कुछ याद आ रहा है क्या? और एक और था एसएम का मॉडल, एंड लास्ट स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये था तेरा एसएम प्रोसेस। इतने हेडिंग बनने थे उसके अंदर में। यहां से आप जंप करते थे चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। अरे वेट 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 वेट, यहां से अपन जाते थे सेकंड पे। सेकंड से अपन 7 पे गए थे, करेक्ट। सेकंड एनवायरनमेंट एनालिसिस, एनवायरनमेंट के एनालिसिस, ताउस, स्वॉट, एडीएल, पेस्टल, बीसीजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, आइगर एंड सॉफ, वो इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन वाला। वो एक और था ना बाहर से रह के देखना, सबसे पहले ही। हाँ, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। और इंडस्ट्री एनालिसिस, और जिंदगी में ये सब हो गया तो चल जाना ग्लोबलाइजेशन करने। समझ रहा है क्या? पूरा चैप्टर डन 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 डन, ये पूरा चैप्टर था। बड़ा करूं कि बाद में एंड में फोटो खींचूंगा? तो फोटो तो खींचना पड़ेगा। अबे लिखो ना मेरे साथ ही जिंदगी में। ओह माय गॉड, डन। यहां से गए थे हम 7 पे, क्योंकि तेरा 7 बहुत जरूरी है। याद है क्या क्या किया था? बोल। सबसे पहले तूने यहां पे किया था स्ट्रक्चर। क्या था मालिक? स्ट्रक्चर याद कर। पहली थी सिंपल, पहले वो थी सिंपल, फिर वो हुई फंक्शनल, फिर वो हुई डिविजनल, फिर वो हुई मल्टी डिविजनल। तो पहले वो सिंपल थी, फिर वो फंक्शनल हुई, फिर वो डिविजनल हुई, फिर वो मल्टी डिविजनल हुई, फिर वो एसबीयू बन गई। कौन बन गई? एसबीयू बन गई। अब इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई कि वो मैट्रिक्स हो गई। उसने अपना नेटवर्क इतना बड़ा लिया कि अब हम ही उसकी लाइफ में नहीं रहे, और इसीलिए हम हर आवर ग्लास लेके बैठे रहे। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को?
पहले वो सिंपल थी, फिर वो फंक्शनल हुई, फिर वो डिविजनल हुई, फिर वो मल्टी डिविजनल हुई, फिर वो SBU भी हो गई। जब ये सब हुआ तो वो कॉम्प्लिकेट होके मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स हो गई तो उसने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया। आखिर में हम तो बस अपना ग्लास ही लेके बैठे रहे, हर आवर हर आवर हम अपना ग्लास लेके बैठे रहे। आया क्या? और जब हमने ग्लास पकड़ लिया तो लोगों ने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ले ली। आया क्या धन में? जब कोई और लीडर बना, हमारा दिल तो बड़ा था, हमने उसे भी सपोर्ट किया, क्योंकि हमें ये हमारा कल्चर सिखाता है कि बदले वो पर हम नहीं, के बदले वो हम नहीं। तो क्या हुआ, हम पहले एंटरप्रेन्योर थे और अब इंट्राप्रेन्योर बन गए। कुछ याद आएगा मालिक? हम सपोर्ट तो तब भी करेंगे। तो क्या हुआ, जब हम पहले एंटरप्रेन्योर थे अब इंटरप्रेन्योर हो गए, इंट्राप्रेन्योर हो गए। तो चलो 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 एक बार ये टॉपिक वापस से। हाँ, पहले वो सिंपल हुए, फिर वो फंक्शनल हुए, फिर वो डिविजनल हुए, फिर वो मल्टी डिविजनल हुए, और तब जाके वो SBU हो गए। जब वो SBU हो गए तो वो कड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए और उनका नेटवर्क बढ़ गया। अब क्या था, हम बाजू और हमारे हाथ में हर आवर ग्लास हो गया, हम कबीर सिंह हो गए। जब हमारे हाथ में ग्लास आया तो लीडरशिप किसी और के हाथ में थी, हमने उसे भी सपोर्ट किया क्योंकि यही हमारा कल्चर था। तो क्या हुआ, अब हम एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, अब हम इंट्राप्रेन्योर बन गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8, कुछ याद आया क्या? हाँ, सबसे पहले था स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी चेंज, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजिक ऑडिट। और इसी से हमारा होगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। दिस इज ऑल टुगेदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। घर पे जाइए, बड़े पेज पे इसका चार्ट बनाइए और जब सेल्फ स्टडी करने बैठे इस चार्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में किधर है और क्या है, गेम एंड हो जाएगा। मैं आपको मौका देता हूं, फोटो निकाल लीजिए। सीक्वेंस बता दो, पहले एक पे जाओगे, फिर चार पे जाओगे, फिर पांच पे जाओगे, फिर छह पे जाओगे, फिर तीन पे आओगे, फिर दो पे आओगे, फिर सात पे जाओगे, फिर आठ पे जाओगे। एंड ये रहा बड़ा स्क्रीन, सुपर चार्ट नाम दीजिएगा इसे, और प्लीज अपने जितने दोस्त हैं सबको पहुंचा दीजिएगा, उसका भी भला हो। और सारी फोटो भेजने के बाद लिखिएगा, जा तुझे सुखी संसार मिले। ये चैप्टर नंबर 4 का, सिर्फ चैप्टर 4 का। डन। ये चैप्टर नंबर 5 का,
डन, ये चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर नंबर 6 के भी दो फोटो लगेंगे। और ये मार्केटिंग वाला, ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 7, यहां याद रखना पहले वो क्या हुई, चैप्टर नंबर 8। प्लीज अपने सभी सीए बंधुओं तक के जरूर पहुंचाएं, सीएस बंधुओं तक के जरूर पहुंचाएं, सीएमए बंधु तक के जरूर पहुंचाएं, जिन जिन को जरूरत है बेटा इसकी उस तक जरूर पहुंचाएं। डन सेट, ये है पूरा एसएम। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड आप ज़्यादा इजीली कंपेयर भी कर पाएंगे। इस सीक्वेंस के साथ आप किसी भी चीज़ से पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, मैं था आपका दोस्त सीए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। थैंक यू।